अरे बैन स्टोक भाई, तुम अकल से पैदल हो क्या? अरे हमें तो इन कंगारुओं ने जचा के पेल दिया था, लेकिन तुमने क्यों उड़ता तीर लिया? अरे तुमने भाई बैच बॉल के चक्कर में अपना तेल निकलवा लिया, पहला ही टेस्ट गवा दिया। अगर तुम पहले ही दिन पारी घोषित करने की जल्दबाजी ना दिखाते तो मैच का नतीजा कुछ और होता। अरे माना कि भाई तुमने पहले ही दिन 393 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना लिया था, लेकिन पारी घोषित करने की क्या जरूरत थी? अरे उस समय लग तो तुम्हारे जे रूट नबाद 118 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे, 5-7 ओवर और खेल देता 30-40 रन वो ठोक देता। अरे कम से कम पहले ही मैच में हार तो ना नसीब होती। अरे देखो भाई रोहित शर्मा, ये सब कुछ तो हमारे बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये तो इनका उस्मान खवाजा दोनों ही पारियों में बजा गया हमारा बैंड बाजा, इसलिए हमने पहले ही मैच में हार का मुंह देखना पड़ गया, वरना सांसें इन कंगारुओं की भी अटका दी थी। हम पर तो वो खवाजा ही भारी पड़ गया, पहली में 141, दूसरी में 65 बना गया, वो अकेला ही इन कंगारुओं को जिता गया। और बात रही भाई बैच बॉल की, हमारा तो यही खेलने का अंदाज है। अरे रिस्क लेना हमें बहुत पसंद है। वैसे भाई हमने तो इस टेस्ट मैच को भी बिल्कुल वनडे बना के खेला, हालांकि ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो बोर कर दिया था। अरे हमारे बैच बॉल क्रिकेट के कारण ही मैच इतना रोमांचक हो गया था। आखिरी के 12 ओवर में इनको 55 रन बनाने थे, हमें 2 विकेट चाहिए थे, और बिल्कुल आखिरी समय में ये कंगारू कप्तान पैट कमिंस क्रीज पर अड़ गया और अपनी टीम को जितवा गया। अरे वाह भाई वाह, रोहित शर्मा खुद की तो लाज ना बचा पाए, तुम्हारी टीम में बने रहने के लाले पड़े हो और बैन स्टोक को तुम चैंपियन बनाओगे। अरे चलो कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, हमने तो पहले इंडिया वालों को पहला भी इस बैन स्टोक का तेल निकाल दिया। बड़ा आया था मुंह उठा के, पहले ही दिन पारी घोषित करके अलग ही अंदाज में खेलेंगे। अरे हमने इन गोरों की ऐसी हालत कर दी है, बैच बॉल क्रिकेट इनके बिल्कुल गले की फांस बन गई। अरे वैसे भाई बैन स्टोक, तुम्हारे हौसलों की दांत देनी पड़ेगी। अरे तुमने तो बिल्कुल इतिहास रच दिया, पहले ही दिन पारी घोषित करके, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। हालांकि तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, लेकिन भाई तुम्हारी वजह से कम मैच का रिजल्ट तो निकला। अगर तुम ऐसी हिम्मत ना दिखाती, पहला मैच ही ड्रा हो जाना था। अरे मैं तो कहता हूँ तुम अगले मैचों में भी ऐसे ही फैसले लेना और पूरी वाहवाही लूटना। अरे बैन स्टोक भाई, इनकी बातों में मत आना, ये बड़े चालाक और बेईमान कंगारू है, ऐसे ही पंप मार मार के ऐसे सीरीज पर कब्जा कर जाएंगे, हमारी तरह तुम भी फिर हाथ मलते रह जाना। अरे देखो भाई रोहित शर्मा, हमें तो हारना या जीतना पसंद है, ड्रा के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अरे पहली पारी में हमारे 393 के जवाब में ये 386 रन ही बना पाए, हालांकि हमारी दूसरी पारी 273 रन पर ही सिमट गई, वहां 20-30 रन की कमी रह गई, इसलिए ये कंगारू 2 विकेट से जीत गए। वरना भाई शुरू से लेके आखिरी तक मैच तो हमारे बिल्कुल मुट्ठी में था। अरे जा भाई बैन स्टोक, तुम्हारी मुट्ठी में था बाबा जी का ठल्लू। बड़ा आया ये कर देते वो कर देते, तू हमें नहीं जानता, हमारा नाम नाथन लायन, हमारी हर गेंद होती है बल्लेबाज के लिए डायन। अरे भाई तुम्हारी पूरी टीम पर मैं और खवाजा भारी पड़ गए, और तुम बात करते हो सीरीज जीतने की। बल्लेबाजी में हमारे उस्मान खवाजा ने मोर्चा संभाला, तो गेंदबाजी में मैंने पहली पारी में भी 4 विकेट लिए, दूसरी में भी 4 लिए, और शुरू से लेके आखिरी तक हमने तो तुम्हें एक के बाद एक ऐसे झटके दिए, बिल्कुल मैच जीत कर ही दम लिया। अरे क्यों भाई कप्तान साहब, पैट कमिंस इन गोरों को पेलने में कोई कमी तो ना छोड़ी? अरे वाह भाई वाह नाथन लायन, तुमने तो गोरों का बिल्कुल सही बैंड बजा दिया। अरे तुमने विकेट चटकाए जो चटकाए, फिर आखिरी में आके नाबाद 16 रन भी बनाए। अरे भाई आखिरी दिन के आखिरी सेशन में हम दोनों की 72 बॉल पर नबाद 55 रन की साझेदारी ने तो ही ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया है, वरना भाई एक हमारे ख्वाजा को छोड़कर जिस तरह से बाकी बल्लेबाज आ रहे थे, सस्ते में निपट के पवेलियन जा रहे थे, अरे उससे तो एक बार के लिए लग गया था हम मैच गवा देंगे। लेकिन उसके बाद तुमने मिलके हमारे साथ जो मोर्चा संभाला, उसने तो इन गोरों के सारे अरमान तोड़ दिए और सीरीज के पहले ही मैच में 1-0 से पीछे छोड़ दिए। अरे कोई बात नहीं कंगारुओ, तुम्हारा किस्मत साथ दे गई, तुम मैच जीत गए, लेकिन हमारा भी नाम बैन स्टोक है, अगले मैच में ऐसी तगड़ी वापसी करेंगे, मैच जीत कर भी दिखाएंगे क्या होता है असली बैच बॉल क्रिकेट, ये पूरी दुनिया को बताएंगे।